दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2023 के लिए अपने प्रैक्टिस कैंप की स्टार्ट जल्दी करने वाली है। रिसेंटली हमें वुमेन्स प्रीमियर लीग का ऑक्शन भी एंड अप होते हुए देखने को मिला है और इसके अलावा ढेर सारी अपडेट्स केकेआर के लिए भी निकल कर आई हैं। तो क्या क्या है वो अपडेट्स और क्या हुई है दिनभर में सभी अपडेट्स आज आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। तो यार बिना टाइम गवाए सबसे पहले बात कर लेते हैं दिनभर की टॉप अपडेट्स की। सो पहली अपडेट निकल कर आ रही है ओयन मॉर्गन को लेकर। सो यार दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ पता चल गई होगी या काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ हमारी वीडियो के थ्रू पता चल रही होगी, बट दोस्तों आप सभी को बता दें कि टीम केकेआर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड सक्सेसफुल कैप्टन ओयन मॉर्गन जो टीम को गौतम गंभीर के बाद यहाँ पर फाइनल में लेकर गए हैं, तो यार उन्होंने अब हर सॉर्ट ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। पहले उन्होंने इंटरनेशनल से ली या फिर वाइट बॉल से ली थी, बट अब हर तरीके से क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। अब वो ग्राउंड पर आपको जरूर दिखने वाले हैं बट अब वो आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, वो एज अ कॉमेंटेटर बनकर निकलने वाले हैं और कॉमेंट्री भी अब उनके लिए पूरी तरह से पार्ट टाइम रहेगी। उन्होंने दोस्तों एक बहुत ही बड़ा नोट लिखा था अपने सोशल हैंडल के ऊपर, वो जाकर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो और पूरा पढ़ भी सकते हो चाहो तो, उनके जो सोशल साइट है वहां जाकर वो सब नोट पढ़ लो। इसके बाद दोस्तों अब वो चाहते हैं कि उनकी जो सेकंड इनिंग्स है लाइफ की वो काफ़ी स्टेबल रहे और काफ़ी आरामदायक रहे। तो यार अब ग्राउंड से तो उनकी छुट्टी हो गई है ऐसा उन्होंने कह दिया है और सेकंड इनिंग भी कैसी होती है वो देखते हैं। बट हाँ दोस्तों आईपीएल के अंदर अब उनके द्वार खुल चुके हैं किसी भी मैनेजमेंट के अंदर आने के लिए। अब किस मैनेजमेंट के अंदर आएंगे जाएंगे ये तो बात की बात है, बट आप कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या आप मिस करोगे ओयन मॉर्गन को और क्या आपको लगता है फ्यूचर में उनको केकेआर की मैनेजमेंट ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगली अपडेट आ रही है श्रेयस अय्यर को लेकर। सो यार दोस्तों यहाँ पर जो अगला बीजीटी है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, जिसको लेकर हमने बता दिया था कि जो श्रेयस अय्यर की जो फिजिकल रिपोर्ट है वो बहुत ही जल्दी आउट होने वाली है। अब कल देर रात यहाँ पर दोस्तों बात करें तो उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आउट हो गई, बट दोस्तों पब्लिकली नहीं हुई है। फेक र्यूमर्स काफ़ी घूम गए थे और फेक पिक्स भी काफ़ी घूम गई थी। तो यार दोस्तों बात करें तो अभी उनकी रिपोर्ट्स आउट हो गई हैं, बट दोस्तों जो टेस्ट वन है वो क्लियर हो गया है, जो टेस्ट टू है उसके अंदर दोस्तों कुछ ना कुछ ज़रूर इशू है, तभी वो रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिकली नहीं आई है। बट हाँ दोस्तों चांसेस की कोई इशू नहीं है, श्रेयस अय्यर का कमबैक बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग माना जा रहा है। अब लास्ट मोमेंट के ऊपर कुछ दिक्कत आ जाती है तो ये बात आप भी नहीं समझ सकते ना मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि यार जैसे अडानी बाबा ऊपर जा रहे थे उनके स्टॉक्स गिरे हैं, वैसे अब लास्ट मोमेंट के ऊपर श्रेयस अय्यर भी गिर जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बट हम यही चाहेंगे कि श्रेयस अय्यर ज़रूर कमबैक करें। आप कमेंट करके जल्दी से बता दो क्या आपको लगता है श्रेयस अय्यर पॉजिटिविटी के साथ कमबैक करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। अगली अपडेट निकल कर आ रही है वुमेन्स प्रीमियर लीग को लेकर। तो यार सच्ची सच्ची एक बात आप सब नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दो, किस किस ने वुमेन्स आईपीएल के अंदर केकेआर को मिस किया जो ऑक्शन चल रहा था। अब बात करें तो यार दोस्तों टीम केकेआर इस साल तो टीम नहीं ले पाई, बट हाँ अब जब नेक्स्ट टीम इंक्रीज होती जाएंगी तब उसमें टीम केकेआर ज़रूर हमें नज़र आएगी। वहीं बात करें ब्रीफिंग की तो यार इंडियन के अंदर स्मृति मंदाना फीमेल क्रश सबके लिए 3.40 करोड़ में सबसे महंगी रही। वहीं दोस्तों ओवरसीज़ के अंदर जो नटैली स्कीवर हैं वो 3.20 करोड़ के अंदर सबसे महंगी रही। तो यार यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।